अगेन वेलकम टू अवर क्लासेस स्टूडेंट। जैसे कि आपके प्रीवियस लेक्चर में आपको इक्विली डिवीजन लेम्मा का कंसेप्ट बताया गया था, आज के टॉपिक में हम सीधे एमसीक्यूज लेके आए हैं, ठीक है बच्चों। और फर्स्ट एमसीक्यू हुआ है, ये आपके पास एक नंबर दिया है, फ्रैक्शन में लिखा गया है और आपको बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। बच्चों मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूँ, टर्मिनेटिंग कब होगा, टर्मिनेटिंग कोई भी नंबर कब होगा, मैं आपको एमसीक्यू हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ। जब उसके जो क्यू है ना, ये पी वाई क्यू के फॉर्म में, ये पी और ये क्यू, जो क्यू है उसमें आपको बस टू के मल्टीपल और फाइव के मल्टीपल ही दिखे तो वो टर्मिनेटिंग होगा। क्यों ऐसा, क्यों? अगर सपोज आपके पास ऊपर फाइव नंबर है और नीचे टू की पावर टू और फाइव दिख रहे हैं तो आपको पता है नीचे टेन बनाना है, तो एक टू और एक फाइव इसके पास है, आपको एक फाइव और लाना है तो आप फाइव से मल्टीप्लाई करोगे, फाइव से डिवाइड, ऊपर 25 बन जाएगा, नीचे दो टू है दो फाइव हो गए तो 25 अपॉन एक टू और एक फाइव, एक टेन बनाएगा तो दो कितने बनाएंगे, दो टेन बना जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा 25 अपॉन 100, तो ये खत्म हो जाएगा। खत्म होने को ही टर्मिनेटिंग बोलते हैं बच्चों, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, आपको बस इतना याद रखना है शॉर्ट में, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए कि टर्मिनेटिंग तब बोलेंगे जब नीचे सिर्फ टू और फाइव के मल्टीपल हो। मगर आप देख सकते हो इसमें टू फाइव तो है, साथ में सेवन भी है, मगर आपको एक चीज और चेक करनी है कि जो न्यूमिनेटर है क्या उसमें तो सेवन नहीं है। देखो चेक करो इसके अंदर सेवन है, सेवन अगर मैं कॉमन निकालने की कोशिश करूं तो सेवन वन जा कितना होता है सेवन, अगर ट्वेल्व में से सेवन माइनस किया तो 59 रहता है और सेवन की टेबल में 59 नहीं आता, तो ऊपर कोई सेवन नहीं है। ऐसा क्यों किया, अगर ऊपर सेवन होता तो सेवन सेवन क्या हो सकते थे, कैंसिल हो सकते थे, मगर बच्चों ऐसा नहीं है। तो आपको बस इतना याद रखना है टर्मिनेटिंग तब होगा जब नीचे ओनली सिर्फ टू और फाइव ही हो, मगर आप देख सकते हो इसमें एक्स्ट्रा सेवन भी है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे आपको एमसीक्यू करना है। आई होप आपको ये फर्स्ट एमसीक्यू अच्छे से समझ आया होगा। बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यू पे। बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास है, आपको एचसीएफ निकालना है किसका, 8, 9 और 25 का, ये तीन नंबर है इनका एचसीएफ निकालना है, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो। और इनके आपको ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट का आपको ऑप्शन दिया है 8, फिर आपको ऑप्शन दिया है 9, फिर आपको ऑप्शन दिया है 25, फिर आपको ऑप्शन दिया है 1, और आपको क्या निकालना है एचसीएफ। तो बच्चों कोई इक्वली डिविजन लेम्मा नहीं लगाना है, आपको सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना है। और आप देख सकते हो एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो भी ये नंबर है इनमें से वो नंबर सेलेक्ट करना है सबको डिवाइड करें। देखो 8 क्या सबको डिवाइड करता है, नहीं करता है, 25 को नहीं करता है, 8 कैंसिल, 9 का सबको डिवाइड करता है, नहीं करता है, 25 का सबको डिवाइड करता है, नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे करना है आपको पेपर में क्वेश्चन, अगर आपको तीन नंबर आ जाते हैं या चार आ जाते हैं, आपको एचसीएफ निकालने को बोला गया तो आपको कोई इक्वली डिविजन लेम्मा नहीं लगाना है, आपको सिंपली जो कंसेप्ट बताया देखना कौन सा नंबर इनमें से है जो डिवाइड करता है, तो वन सबको डिवाइड करता था तो वन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12, उसके ऑप्शन मैंने आपको सामने पहले ही लिख दिए हैं, ये ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो इरेशनल नहीं है, जो इरेशनल नहीं है, मतलब आपको वो ढूंढना है जो रैशनल है, वो ढूंढना है जो रैशनल है, रैशनल कौन से होते हैं पी बाई क्यू, या दूसरे वर्ड में वो ढूंढना है जिसके पास आपका जो रूट होगा, जो रूट है वो नहीं होगा, उसको ढूंढना है आपको इनमें से। जब आप इस पहले को सॉल्व करोगे तो बच्चों आ जाएगा 4 - 2√3, इसके पास रूट खत्म नहीं हो सकता है, तो ये इरेशनल नंबर है, ये कौन सा नंबर है इरेशनल, इसको सॉल्व करोगे तो रूट खत्म नहीं होता है, ये भी इरेशनल है, इसको सॉल्व करोगे ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, सेवन को ऊपर से नीचे ला सकते हो, ठीक है। तो पावरें बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो क्या हो सकता है 2 - 7 / 1/2, रूट तब भी रहेगा, रूट खत्म नहीं होगा, ये भी इरेशनल है। अब इसको देखो आपके पास बच्चों क्या दिया, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये ए ये बी ये ए ये बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, सॉल्व करो 2 - 3 - 1, तो ये रैशनल नंबर है।
तो आपको बोला था जो रैशनल इरेशनल नहीं है, तो आपका इसका ऑप्शन कौन सा है? सी। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका सी। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब बच्चों चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको बोला गया है बताओ प्रोडक्ट किसका, रैशनल का और इरेशनल का क्या बनेगा? इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या बनेगा? ठीक है, तो ये तो सबको पता ही है, जब भी आप इरेशनल और रैशनल को मल्टीप्लाई करोगे, रैशनल नंबर कौन से होते हैं? पी बाई क्यू। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो रूट में होते हैं, क्योंकि वो खत्म नहीं हो रहे होते हैं। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे एग्जांपल ले लिया 2 बाय 1 को आपने मल्टीप्लाई किया रूट 2 से, तो बनेगा 2 रूट 2, तो वो आपको हमेशा क्या देगा? इरेशनल नंबर। क्या देगा? इरेशनल नंबर। तो आप देख सकते हो ऊपर इरेशनल ऑप्शन नंबर बी है, तो इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है बी। ठीक है, आप याद रखना ये सब कुछ नोट कर लो, रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल ही बनता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया, और आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं? सिक्स्थ क्वेश्चन आपको बोलता है प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट करना है किसका? टू डिफरेंट इरेशनल नंबर का, मतलब एक इरेशनल नंबर 2 और एक इरेशनल नंबर 3, दोनों डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, दोनों का प्रोडक्ट करना। और आपको पता है जो रूट वाले होते हैं वो रूट के अंदर आ जाते हैं, रूट 6 हो गया, तो जो बना ये हमेशा क्या बनेगा? इरेशनल। अगर आप दो नंबर्स डिफरेंट ले रहे हो तो इरेशनल बनेगा, हमेशा इरेशनल बनेगा। तो इस सिक्स क्वेश्चन का आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। सिक्स का भी आपका आंसर नंबर बी है। मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताता हूं, अगर आप सेम नंबर का प्रोडक्ट ले लेते हो, ये एक्स्ट्रा लिख लो, अगर आप दो इरेशनल नंबर लेते हो मगर वो सेम होते हैं, जैसे सेम है, तो वो कभी भी इरेशनल नहीं बनेगा, क्योंकि वो कट जाएगा और वो क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर। ये आपको बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना, अपनी कॉपीज में नोट कर लो, और प्लीज अगर आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज आप कॉपी पे नोट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए इस चैनल के बारे में। ठीक है, अगर आप इस चैनल से फायदा ले रहे हो तो आपको बाकियों की भी हेल्प करनी चाहिए, तो एमसीक्यू की टेंशन मत करना, एमसीक्यू हम सब कर लेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट। बच्चों सेवंथ क्वेश्चन है, बोलता है सम ऑफ टू इरेशनल, तो एक इरेशनल आ गया 2, दूसरा इरेशनल आ गया 3, इन दोनों का सम करना है। तो बच्चों आपको पता है इरेशनल ही बनेगा, अगर आप दो का इरेशनल का सम करोगे तो वो इरेशनल ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर सेवंथ के हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आई होप आपको अच्छे से इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बच्चों हम चलेंगे अपने एट्थ क्वेश्चन में। तो एट्थ क्वेश्चन आपके सामने है, एट्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है? आपको एक नंबर दिया गया है बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, और आपको बोला है एनी इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर है, एनी इंटीजर, उस ए को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? आपका पहला ऑप्शन है 3Q, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 3Q+1, 3Q+2। सामने पता चल रहा है हमारी प्रीवियस लेक्चर का इक्विली डिवीजन लेम्मा था। इक्विली डिवीजन लेम्मा बच्चों क्या था? A इज इक्वल टू BQ+R, तो B कौन है इसमें? 3Q+R। फिर इक्विली डिवीजन लेम्मा में जो रिमाइंडर होता था वो 0 या 0 से बड़ा और B से क्या होता था? छोटा। अब B इस केस में क्या है? 3, तो बच्चों B को मैं क्या ले लूंगा? 3। तो जो R है इसकी वैल्यूज क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, क्या 3 होगी? नहीं होगी, क्योंकि इधर इक्वल टू नहीं है। तो जैसे आपने इसमें R को डाला 0 तो 3Q, R को डाला 1 तो 3Q+1, R को डाला 2 तो 3Q+2, तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है, और जो बाकी वाले हैं वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। टोटली इक्वली डिवीजन एल्गोरिदम पे क्वेश्चन है, टोटली बेस्ड, ऐसे ऐसे ही एमसीक्यू आपको आएंगे पेपर में, आपको करने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अभी भी टाइम है, आपके एमसीक्यू मैं सारे कंप्लीट करवा दूंगा, आपको बस चैनल पे बने रहना है, डेली के लेक्चर अपलोड होंगे, आपको लेक्चर देखते रहने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलेंगे हम नेक्स्ट एमसीक्यू पे। बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव, आपको प्रोडक्ट करना है। ठीक है, कितनों का? 3
कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब कोई भी एग्जांपल लो, जनरल है ना, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है एमसीक्यू की, आप सीधे कोई भी एग्जांपल ले लो। थ्री कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव होने चाहिए पहले इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर्स वन से शुरू होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो वन। जो जीरो है इसको न्यूट्रल बोलते हैं, ना ये पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव होता है, और बाकी सब नेगेटिव। तो आपको ये वाले इंटीजर्स लेने हैं, और बोला है तीन कॉन्सिक्यूटिव लेने हैं, मतलब साथ वाले तीन लेने हैं, कोई भी तीन ले लो। आपने लिया थ्री फोर और फाइव, तीन साथ वाले, तो थ्री इंटू फोर इंटू फाइव कितना आया, ट्वेल्व इंटू फाइव सिक्सटी, ठीक है। अब कोई और ले लो तीन, मगर साथ वाले लेने हैं, कॉन्सिक्यूटिव लेने हैं। सपोज आपने ये तीन ले लिए, तो करो इन तीनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ही करना है, टू इंटू थ्री इंटू फोर सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर, ठीक है। और आपको अब ऑप्शन दिए हैं, बताओ ये किससे डिविजिबल होंगे। पहला ऑप्शन आपका क्या है बच्चों, आपको स्क्रीन में दिख रहा है फोर, दूसरा ऑप्शन है सिक्स, तीसरा है नो फैक्टर, चौथा है ओनली वन। तो आप देख सकते हो जो सिक्स है उससे ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। आई होप आप कंसेप्ट समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको और भी वीडियोस मिलेंगी, ऐसे ही एमसीक्यू मिलेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं हूं इधर आपके लिए एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों चलेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू पे, क्वेश्चन नंबर टेंथ पे। अभी इनके बाद हम अरिहंत के या ओसवाल की जो बुक का ये सैंपल पेपर उसके भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, पहले आप ये कर लो। बच्चों क्वेश्चन नंबर टेन है, आपको एक ए सेट दे दिया है, उसके अंदर दिया जीरो वन टू थ्री फोर सो वन, और आपको बोला गया ऑप्शन में होल नंबर इंटीजर नेचुरल नंबर इवन नंबर, ये क्या चीज है, ठीक है। इंटीजर तो है, ठीक है, मगर इंटीजर के अंदर नेगेटिव भी आते हैं, इसके अंदर नेगेटिव नहीं है, तो ये किसका सेट है, होल नंबर। सिंपल सा क्वेश्चन था, होल नंबर है इसका आंसर, इसका ऑप्शन नंबर ए है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब बच्चों इलेवेंथ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन में क्या दिया है, इनमें से कौन सा नंबर 5115161452 और 1011 1121, इनमें से कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है। तो 11 से डिविजिबल होने का मीनिंग क्या, आपको नंबर डालना है इसके अंदर डिविडेंड में, 11 से करना है डिवाइड, जीरो आना चाहिए रिमाइंडर, ठीक है। तो ऐसा आपको नंबर ढूंढ रहे हैं जिसको आप 11 से क्या करो, डिवाइड करो इन चारों में से, और आपका रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। तो ऐसा कौन सा नंबर है, जब आप इन सबको चेक करोगे तो जब आप 1452 को डालोगे इधर तो आपको रिमाइंडर आएगा जीरो, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग में मुश्किल एमसीक्यू नहीं करवा रहा, मैं आपको सिंपल सिंपल एमसीक्यू करा रहा हूं ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। स्टूडेंट्स अब हम 12th क्वेश्चन करेंगे, 12th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, क्या बोला गया आपको, y एक नंबर है वो मल्टीपल है किसका, y इज ए मल्टीपल ऑफ x, y मल्टीपल है x का, और आपको क्या पूछा गया, आपको पूछा गया एलसीएम निकाल लो x और y का। तो बच्चों एग्जांपल की मदद से करते हैं, जैसे 8 मल्टीपल है 2 का और आपको एलसीएम निकालना है 8 और 2 का, तो आप सबको पता है इन दोनों का एलसीएम 8 ही आता है, ठीक है, क्योंकि 8 मल्टीपल है 2 का, तो वैसे y मल्टीपल है x का, तो इन दोनों का एलसीएम y ही आएगा। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। जो 13 क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको नंबर दिए हैं कौन कौन से, 3398 436 एंड 542, और आपको बोला है लार्जेस्ट नंबर बताओ, जब इन तीनों नंबर को डिवाइड करो तो आपके रिमाइंडर क्या आएंगे, 7 11 एंड 15, लार्जेस्ट नंबर बताओ। और आपके पास ऑप्शन है 17, सेकंड ऑप्शन है 11, थर्ड ऑप्शन है 34 और डी 45। बच्चों आपको सामने पता चल रहा है कि जो ये 45 है ये तो इसको डिवाइड करेगा नहीं, क्योंकि सबको डिवाइड करना चाहिए, तो 45 नहीं आएगा, ठीक है। अब बच्चों क्या आपको
कैसे सॉल्व करोगे अब आप ये, आप इन में से नंबर को सबको क्या करोगे, डिवाइड, और आपके रिमाइंडर क्या आने चाहिए, 7, 11 और 15। ठीक है, देखो जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको एक हिंट भी बता देता हूँ, शॉर्टकट 398 से आप 7 को माइनस करो तो आपको 390 मानना आएगा। आपको क्या करनी है, हिंट, जो नंबर है उसको उसके रिमाइंडर से माइनस कर देना, 391। फिर 436 को 11 से माइनस कर लो, कितना आएगा, 425। फिर 542 को 15 से माइनस कर लो, कितना आएगा, 527। अब बच्चों इन सब का HCF निकाल लो, इन सब का क्या निकालो, HCF जो आएगा 17, तो 17 इसका आंसर होगा। ये एक्चुअल मेथड है करने का, मगर आपको अगर MCQ आए हैं तो मैटर नहीं करता कि आप कोई भी मेथड लगाओ, आपको बस सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली ट्रिक लगानी है। मैंने आपको पहले ही बोला था 45 इसको 8 को डिवाइड नहीं करेगा। अब 7 की टेबल में क्या लास्ट डिजिट में कभी 6 आता है, चेक करो, आते हैं 7 8 आते हैं, तो कोई और इलिमिनेट नहीं हो रहा। तो अब आप क्या करो, आप किसी एक नंबर को ले लो, जैसे आपने 11 लिया, उसको तीनों से डिवाइड करने की कोशिश करो, और आप देखोगे इन तीनों में से किसी ना किसी में ये चीज़ होल्ड नहीं करेगी, तो 11 भी इलिमिनेट हो जाएगा और 34 भी इलिमिनेट हो जाएगा, तो 17 आंसर आएगा। एक तरीक क्या करने का ये कि जो भी नंबर दिए उनमें से रिमाइंडर माइनस करो और उनका HCF निकाल लो, और एक तरीके पर ऐसे डिवाइड करके देखो क्या रिमाइंडर ये आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो उसको टिक कर लो, नहीं आ रहे हैं तो नहीं करो, जो आपकी चॉइस है वो आप कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप पढ़ो, क्या बोला गया है, क्लास 10th में 312 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 9th में 260 हैं, क्लास सॉरी 11th में 260 हैं, और क्लास 12th में 156 हैं। तो ये तीन क्लासेस में आपको स्टूडेंट दिए हैं, और आपको बसेस हायर करनी है इन सबको पिकनिक में लेने के लिए। बताओ फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन सिट इन ए बस। देखो सब स्टूडेंट्स में कॉमन क्या चीज़ है, पिकनिक जा रहे हैं, तो आपको कॉमन फैक्टर निकालना है और मैक्सिमम निकालना है ना, तो इसका मतलब आपको इन सबका क्या निकालना है, HCF। तो आप इन सबका क्या निकाल लो, HCF, और जैसे ही आप इन सबका HCF निकाल लोगे तो आपको आंसर आएगा 52। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन में क्या है, एक सर्कुलर पाथ है जो प्रिया है उसको 18 मिनट्स लगते हैं इस सर्कुलर पाथ को कवर करने में, और जो हरीश है उसको 12 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, और आपको बोला गया है कि एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो बताओ कितने मिनट के बाद वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, मतलब कितने मिनट के बाद वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, प्रिया को 18 मिनट लग रहे हैं, हरीश को 12 मिनट लग रहे हैं, फर्स्ट राउंड के लिए, फर्स्ट राउंड के लिए। सेकंड राउंड के लिए हरीश को 24 मिनट लगेंगे और प्रिया को 36 लगेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए प्रिया को 54 लगेंगे। कैसे कर रहा हूँ मैं, 18 18 प्लस कर रहा हूँ, 18 18 प्लस कर रहा हूँ, और हरीश को 36 लगेंगे। तो आप देख सकते हो 36 मिनट के बाद और 36 मिनट के बाद इसका सेकंड राउंड कंप्लीट होगा और इसका थर्ड राउंड कंप्लीट होगा, तो ये आपस में जब मीट करेंगे तो तब 36 मिनट हो रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या है आपका, ए ऑप्शन 36 मिनट्स। ये आया सिंपल तरीका। अब एक और तरीका है, आप इन दोनों का एलसीएम ले लो 18 और 12 का, तो वो इसका आंसर आएगा। जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक्सप्रेस करो 98 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 98 आपके पास नंबर है, आपने इसको प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस करना है, तो 2 से इसको डिवाइड हो जाएगा, 2 4 8 9 आ जाएगा, फिर आपका डिवाइड होगा 7 7 से, तो इसके फैक्टर क्या बने, 2 क्रॉस 7 क्रॉस 7, जिसको आप क्या ले सकते हो, 2 क्रॉस 7 का स्केयर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या, बच्चों पढ़ो, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है फार्मर है
तीन फार्मर्स हैं, एक के पास 490 kg, एक के पास 588 kg और तीसरे के पास 882 kg वीट है। आपको मैक्सिमम कैपेसिटी और बैग बताने हैं कि जो ये सब अनाज है, जो ये सब वीट है, वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ बैग्स में पैक हो जाए। पहली बात तो आपको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, और बैग इनमें कॉमन है तो आपको पूछा गया HCF। तो ऐसे इसका आप तीनों का क्या कर लो, HCF कैलकुलेट कर लो। जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो 98 kg आएगा, वो आप कर लेना, मैंने आपको पुराने लेक्चर में समझाया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को अगर आप पढ़ो तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि एवरी ऑड इंटीजर, तो मैं पहले लेट कर दूंगा, ए कोई भी एक इंटीजर है मगर वो ऑड इंटीजर है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी फॉर्म में लिखा जा सकता है ऑड इंटीजर को, ठीक है। तो अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ऑड इंटीजर है ना, ये जो हम देख रहे हैं ये कौन है, ऑड इंटीजर। और आपके ऑप्शन क्या है, पहले ऑप्शन ले देते हैं, 2p+1, बी क्या है 2p, सी क्या है p+1 और डी क्या है p, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। तो इनमें से कौन सी फॉर्म होगी ऑड इंटीजर की, मेरे को बताओ। अब एक चीज़, p कोई भी इंटीजर है, उन्होंने क्वेश्चन में दिया जो p है वो एनी इंटीजर है, एनी इंटीजर, ठीक है। अगर p कोई भी एक इंटीजर है तो ये ऑड भी हो सकता है, सपोज 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। अब आप डाल लो इधर 2, डालो 2, जैसे आपने 2 डाला इधर तो आपको मिला 5, आपने इधर डाला 3 तो क्या मिला 7, ठीक है। फिर आप 2 डालो इधर 4, आप 3 डालो इधर 6, 2 डालो इधर 3, 3 डालो इधर 4, 2 डालो इधर 2, डालो 3। आपको क्या पूछा गया है, ऑड इंटीजर, तो जो ए है वो ऑड इंटीजर है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आपको ऑड इंटीजर दिख रहा है। तो ये देखो आपके पास ऑप्शन नंबर ए में आपको क्या दिख रहा है, ऑड इंटीजर। तो आप कोई भी नंबर डाल दो पी, चाहे ऑड डालो, चाहे ऑड डालो, चाहे इवन डालो, आंसर आपको ऑड ही मिल रहा है। मगर जैसे ही आपने ये जो पी नंबर है बाकियों में डाले तो कभी इवन मिलता है, कभी ऑड मिलता है, आपको ऑड इवन मिल जाते हैं, ठीक है। मगर आपको तो बस क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑड इंटीजर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। ये आपके MCQ निकालने के तरीके हैं, ठीक है। बुक के क्वेश्चन किसी और ढंग से हैं, आपने देखा होगा हमने इक्विलिब्रियम लगाई होगी, तो ये MCQ निकालने के तरीके, इससे आप जल्दी MCQ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, फॉर सम इंटीजर पी, फिर कोई इंटीजर है पी, ठीक है, और एवरी ऑड इंटीजर, एवरी ऑड इंटीजर किस फॉर्म में है। अच्छा एवरी ऑड नहीं होगा, इधर एवरी इवन होगा, नहीं तो क्वेश्चन सेम हो जाएगा ना, एवरी इवन इंटीजर। अब बात हो रही है इवन इंटीजर की, अब किसकी बात हो रही है, इवन इंटीजर की। ऑप्शन सेम है, 2p+1, 2p, p+1 और p। अब बोलता है कोई भी इंटीजर डाल दो, तो वो ऑड भी डाल सकते हो, इवन भी डाल सकते हो, सब में डालोगे तो आपको पता ही, अभी कि हमने 5, 7 मिलेगा, 4, 6 मिलेगा, 3, 4 मिलेगा, 2, 3 मिलेगा। आपको चाहिए क्या इवन इंटीजर, इसमें तो दोनों मिल रहे हैं ये नहीं आएगा, इसमें भी दोनों मिल रहे हैं ये नहीं आएगा, इसमें ऑड मिल रहा है नहीं आएगा, तो इसमें आपको इवन मिल रहा है। तो ये आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इस टाइप का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। जो इस टाइप के क्वेश्चन है, जो मेरा मेथड है बताने का, बिल्कुल सिंपल है, आप इसको कॉपी में नोट कर दीजिए तो आपका ये बेनिफिट होगा, नहीं तो आप बाद में सोचते रहोगे कैसे किया था, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में। बच्चों 20th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, m²-1 एक नंबर है और बोला गया है वो डिविजिबल है 8 से, वो डिविजिबल है 8 से, आप बताओ m क्या होगा, आपको बताना है m क्या होगा। तो बच्चों ऑप्शन क्या दिए हैं, m इवन इंटीजर होगा, ठीक है, m ऑड इंटीजर होगा, m नेचुरल नंबर होगा या m होल नंबर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, एक ट्रिक करनी है, होल नंबर कोई ले लो, एक होल नंबर ले लो आप, 0 डालो इधर 0, तो
तो ज़ीरो माइनस वन माइनस वन, क्या माइनस वन डिविजिबल है एट से? नहीं है, तो ये गया। एन एन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर वन, वन माइनस वन ज़ीरो, क्या ज़ीरो डिविजिबल है एट से? ठीक है, ज़ीरो हर एक से डिविजिबल होता है, आ गया। टू डालो तो टू का स्केयर कितना आता है? फोर, फोर माइनस वन थ्री, क्या थ्री डिविजिबल है एट से? नहीं होता, हर नेचुरल नंबर नहीं है, बस ज़ीरो ही आ सकता है, वन ही आ सकता है, क्यों? वन डालने पे ज़ीरो बना है। अब क्या बोला गया? ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर डालो इधर थ्री, ठीक है, तो थ्री का स्केयर कितना आएगा? थ्री का स्केयर कितना आएगा? नाइन, नाइन माइनस वन एट, और एट तो डिविजिबल है, ऑड डालने पे आ गया। फिर एक और ऑड चेक करो, ऑड इंटीजर, ठीक है, ऑड, अब थ्री के बाद ऑड आएगा फाइव, फाइव का स्केयर कितना होता है? ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव माइनस वन ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर भी डिविजिबल है। एक और चेक कर लो, फाइव के बाद आता है सेवन, ठीक है, सेवन का स्केयर फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन माइनस वन फोर्टी एट, फोर्टी एट भी डिविजिबल है। तो आप देख रहे हो ऑड इंटीजर डिविजिबल है, तो इसका ऑप्शन ये आएगा। इवन मैं आपको बता देता हूँ, आप टू डाल दो, टू का स्केयर कितना आया? फोर, फोर माइनस वन थ्री, क्या थ्री एट से डिविजिबल होता है? नहीं होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन इस टाइप से करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम करेंगे आपके आगे वाली स्क्रीन का क्वेश्चन, कौन है वो? क्वेश्चन नंबर 21। ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी, ठीक है, ए आपके पास क्या है? ए आपके पास है एक्स वाई क्यूब, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ होगी शायद, और बी आपके पास है एक्स वाई स्क्वायर जेड। चेक करते हैं, शायद कुछ मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, देख लेते हैं हम। तो आपको एलसीएम निकालना है ए और बी, और क्वेश्चन में बोला गया है एक्स वाई क्या है? प्राइम नंबर। एक्स वाई क्या है? प्राइम नंबर, मतलब ये आपस में एक दूसरे के टेबल में नहीं आएंगे। आपको एलसीएम निकालना है ना, तो ए को आप लिख सकते हो एक्स वाई वाई वाई, बी को क्या लिख सकते हो? एक्स वाई वाई जेड। आपको पता ही है एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो सिंगल बार आ रहा है उसको लिख दो, अलग से आ रहा है जेड, जेड लिखना पड़ेगा, ठीक है, एक्स एक बार आ रहा है लिखना पड़ेगा, मगर वाई एक में आ रहे हैं तीन बार, एक में आ रहे हैं दो बार, तो जो तीन वाले हैं वो लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आया एक्स वाई क्यूब जेड, एक्स वाई क्यूब जेड, तो ये इसका ऑप्शन है। मगर मेरे को लगता है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से शायद इधर एक्स फोर ही हो, क्योंकि मिस प्रिंट में पहले तो नहीं पता चला ना, अगर इधर एक्स फोर हो तो फिर निकल जाएगा। देखो अगर बी एक्स फोर है तो कितने एक्स आए और? तीन। अब एक जेड आ गया, मैक्सिमम थे तीन बाई, वो भी आ गया, अब इधर चार एक्स हैं, इधर एक एक्स है, तो एक्स फोर आएगा, तो अब डी ऑप्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन को करेक्ट कर लो, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, पता नहीं चला था पहले मेरे को लगा वन ही है, मगर ये एक्चुअल में क्या है? फोर, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ए के मल्टीपल एक्स वाई वाई वाई, बी के मल्टीपल एक्स 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 वाई वाई जेड। तो एलसीएम निकालते हैं, सिंगल जेड आ गया, फिर इधर चार एक्स हैं, इधर एक एक्स है, तो आपको मैक्सिमम वाला लिखना है चार एक्स, इधर दो वाई हैं, इधर तीन है, तो आपको मैक्सिमम वाला लिखना है तीन वाई, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। अब चलेंगे हम 22nd क्वेश्चन पे। बच्चों अब 23rd क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 23rd क्वेश्चन में ए क्या है आपका? एक्स वाई क्यूब, बी क्या है आपका? एक्स फोर वाई स्क्वायर जेड। आपको बोला है इनका एच सी एफ निकालो, तो एच सी एफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जो दोनों में हो मगर हाईएस्ट हो। तो कैसे निकाल लेंगे बताओ? आप ए को तोड़ दो एक्स वाई वाई वाई, बी को तोड़ दो एक्स 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 वाई वाई जेड, ठीक है। तो आपको क्या करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो आप कैसे निकाल लोगे बताओ? पहले आप वीडियो को पॉज करो, खुद से एक बार सॉल्व करो, और देखो क्या आपका आंसर भी वही आ रहा है जो मेरा आ रहा है। देखो मैं आपको पहले एलसीएम निकाल के बताता हूँ, क्योंकि पिछले क्वेश्चन हमारा थोड़ा मिस्टेक थी ना क्वेश्चन में। अगर एलसीएम पूछा तो क्या करना है? एक बार जेड, क्योंकि सिंगल बार है, जेड आ गया, इसमें तीन वाई हैं, इसमें दो वाई हैं, तो तीन वाई लिखने मैक्सिमम वाला,
इसमें एक एक्स है, इसमें चार एक्स हैं, तो एलसीएम इसका ये आएगा। मगर उन्होंने एचसीएफ पूछा, तो एचसीएफ में आपको क्या करना है, जो छोटा कॉमन है वो लिखना है, एक ही है ना दोनों में, तो एचसीएफ में एक लिखा एक्स, वाई कितने हैं दोनों में कॉमन, छोटे वाले दो इसमें भी हैं दो इसमें भी हैं, तो वाई स्क्वायर, जेड तो दोनों में है ही नहीं तो जेड लिखना नहीं है, ये इसका एचसीएफ आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, क्वेश्चन नंबर 23। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों क्या है, आपको दो नंबर दिए हैं 60 और 75, ऑप्शन दिए हैं 260, 75, 65, 13। आपको बोला गया है कि बताओ इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जो डिवाइड करे 60 और 75 को और उनके रिमाइंडर 8 और 10 आए, उनके रिमाइंडर क्या है 8 और 10, ठीक है। मेरे को अब एक चीज़ बताओ आप, क्या 60 और 75 को डिवाइड करवाना है ना, विच डिवाइड 60 एंड 75, क्या ये डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, ये करेगा हाँ 75 को करेगा मगर 60 को नहीं करेगा, 65 दोनों को करेगा, जब 65 सॉरी 65 75 को करेगा मगर 60 को नहीं करेगा, ये भी किया तो इसका 13 आएगा, आप 13 करके देख सकते हो, ठीक है। तो जब आप 13 से 60 को डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 8 आएगा, और जब आप 13 से 75 को डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर 10 आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर है डी। तो ये एमसीक्यू ऐसे करने हैं, इनमें कोई आपको इक्वली डिवीजन नहीं लगाने बैठ जाना है, फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी आपके अपने लिए, ठीक है। तो आपको इनको ऐसे ही करना है। अब हम करेंगे 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन है लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, ठीक है। लीस्ट नंबर निकालना है, पहली बात तो लीस्ट नंबर निकालना है, ठीक है, और इनके बीच का निकालना है। उन्होंने लास्ट में लिखा है बोथ इंक्लूसिव, बोथ इंक्लूसिव मतलब इंक्लूसिव का मतलब फ्रॉम का मीनिंग होता है 1 और 5 तक, मतलब 5 1 भी इन्वॉल्व करना है और 5 भी इन्वॉल्व करना है और इनके बीच वाले भी सारे, तो ये आ गए सारे नंबर, इसमें 1 भी इंक्लूड है और 5 भी इंक्लूड है, और आपको बोला लीस्ट निकालना है, लीस्ट नंबर निकालना है जो इन सब से क्या हो डिवाइड हो। तो बच्चों कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम निकाल देना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है एलसीएम निकाल देना, और आप जब इन सब का एलसीएम निकालोगे तो 60 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, अगर आपको ये समझ आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि एक लेक्चर बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, और समझिए मैथ को, रैदर देन आप इसमें रट्टा लगाओगे आप समझो इसको, ठीक है। 26th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या बोला है, लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स 1 to 8, बोथ इंक्लूसिव, अभी भी बोथ क्या बोला है इंक्लूसिव बोला है, तो जब आपको बोथ इंक्लूसिव बोला है तो आपने फिर क्या करना है 1 से लेके 8 तक सब नंबरों का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। एलसीएम लोगे तो आपका ऑप्शन आएगा ए 840, ठीक है, ये आप खुद कर लेना। अब हम चलेंगे बच्चों 27th क्वेश्चन पे, 27th क्वेश्चन पे, 27th क्वेश्चन क्या है, आपको एक एक्सपेंशन दी है 14587/250, और आपको पूछा गया है ये कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगी, टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो जाएगी। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नीचे 250 है उसको आप 5 के मल्टीपल पे तोड़ो, 5 × 5 × 10, ठीक है। अब नीचे एक 10 तो है, आपको क्या करना है एक 2 ओ लाना है और एक 2 ओ लाना है, ताकि 2 10 और बन जाए, जैसे आपने 2 लाए तो 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देने, ठीक है, और जैसे आप 14587 को ऊपर 2 2 मतलब 4 से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे आप देखोगे 1 10 2 10 3 10, 3 आ गया, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा 1000, 1 2 3 कितना आ जाएगा 1000। तो जैसे आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 8 2 32 4 3 50 3 2 8 1 5 अपॉन
थाउजेंड, तो कितना आया 558.348। ठीक है, तो आप देख सकते हो तीन डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो गया। और अगर आपको ये तो आया एक्चुअल मेथड जो आपने पूरा करना है, अगर आपको जल्दी से करना है तो कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे देखना है 14587 वैसे रख दो, 10 चला गया बाहर, पीछे आ गया 25, 25 है तो 22 ऊपर दे दो, 22 नीचे दे दो डिनोमिनेटर में, तो 10 10 10 नीचे कितने जीरो आ गए, 3 जीरो, तो ये तीन डिजिट के बाद ख़त्म हो जाएगा, मतलब लास्ट से इसके तीन डिजिट होंगे टर्मिनेट होने के बाद। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर है सी, ऑप्शन नंबर सी, ऐसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। स्टूडेंट्स आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको इस लेक्चर में सब समझ आया है नहीं, फिर मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर ले आऊँगा। इसके बाद हम अरिहंत की बुक भी सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे उस सवाल का सैम्पल पेपर भी सॉल्व करेंगे, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, 40 out of 40 हम लेके ही रहेंगे। ठीक है, अब ये आपके पास रैशनल नंबर है, इसको बोला है टर्मिनेट कब कर रहा है, तो देखो क्या लिखा है ऊपर 97 देखना नहीं है, नीचे 5 4 थे, 4 5 कितने हैं, 4 है, मतलब 5 कितने हैं टोटल, 4 है, एक 5 इधर 2 के पास चला गया तो 10 बन गया, पीछे 3 रह गए। ठीक है, अब क्या करोगे, ऊपर 3 2 दोगे और नीचे भी 3 2 दोगे, कितना आ जाएगा 10 और 10 का क्यूब, अब नीचे कितने 10 हो गए, 4, तो आपको पता है ये 4 डेसिमल हैं, जो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 4 डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ये ट्रिक बताई थी मैंने आपको ऐसे करने ये वाले क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, 29th क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, 29th क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो दो कॉन्जिक्यूटिव साथ वाले नेचुरल नंबर ले लो, 3 4 ले लो 12 आएगा, आप 5 6 ले लो साथ वाले 30 आएगा, आप 1 2 ले लो 2 आएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हमेशा इवन नंबर बन रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी, ऑप्शन नंबर क्या आपका बी 29th का। अब 30th क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है आपका, 30th एमसीक्यू, आपको दो नंबर दिए हैं 408 और 1032, आपको बोला है इन दोनों का जो एचसीएफ है उसको आपने एक्सप्रेस करना है 1032 इंटू 2 प्लस 408 पी में, और आपको फिर पी की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों मैंने आपके सामने क्वेश्चन निकाल के रखा है ताकि टाइम कम लगे, इन दोनों का जब आप एच सी एफ निकालोगे 24 आएगा, और 24 को इसके इक्वल पुट कर दिया, 108 इस साइड चला गया। ठीक है, दोनों से 2 कॉमन लिया, 2 कैंसिल कर लिया, फिर ये आ गया आपके सामने, फिर दोबारा 2 कॉमन लिया, क्या किया 2 कॉमन लिया, तो जैसे 2 कॉमन लोगे तो इधर ये 6 बच गया और इधर क्या बच गया ये, फिर आपने 2 कैंसिल कर लिया और फिर आपके पास ये आ गया, फिर आपने सॉल्व किया कैसे, 516 उस साइड चला गया माइनस, तो माइनस 5 आ रहा है आपका। ठीक है, तो आपका जो बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट है, ये आपका 30 एमसीक्यू हो गए। ठीक है, अब हम करेंगे 31st एमसीक्यू, तो 31st एमसीक्यू क्या है आपका, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, आपको एक नंबर दिया है 4p+3, आपको बोल रहा है पी क्या है, होल नंबर, और आपको बोला ये हमेशा क्या होगा, डालो इसके अंदर होल नंबर 0 तो 3 आ रहा है, फिर होल नंबर 1 डालो 7 आ रहा है, होल नंबर 2 डालो कितना आ रहा है 11 आ रहा है, तो जैसे आप होल नंबर डाल रहे हो तो आप देख रहे हो ये ऑड नंबर होंगे। ठीक है, तो ना ये इवन नंबर है इसलिए पहला ऑप्शन कट जाएगा, ये इवन ऑड भी नहीं चल रहे, सी भी कट जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3 भी नहीं है, तो इसका आपका आंसर नंबर है आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों आपको एमसीक्यू अच्छे से समझ आ रहे होंगे। 32nd एमसीक्यू में जाएंगे, 32nd एमसीक्यू क्या है, जब भी कोई नंबर है जब आप उसको 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, आप चेक कर लो, आप 14 ले लो, इसको 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, फिर आप 15 ले लो, उन्होंने एनी नंबर बोला ना कोई भी नंबर, ठीक है आप 15 को 7 से डिवाइड कर लो, देख लो कितना आएगा 7 2 40, रिमाइंडर 1 आएगा, फिर आप ऐसे ऐसे करते करते 20 ले लो, तो 7 2 14 कितना आ रहा है 6, फिर आप 21 जैसे ही गए
तो फिर क्या आएगा, ज़ीरो। तो आप देखोगे जब आप 16 लोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, 17 लोगे रिमाइंडर 3, तो आप देखोगे जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 से 6 तक ही लाई कर रहा है, ठीक है। रिमाइंडर हमेशा 0 से 6 तक ही लाई कर रहा है, तो जो रिमाइंडर है वो हमेशा क्या है, 7 से छोटा। तो इसका सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। आई होप आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। और इसमें कंसेप्ट क्या है, देखो हमें बोला था, हमें पता है जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइज़र जो होता है, डिवाइज़र जो होता है बी, उससे छोटा ही होता है। हमने पढ़ा था ना यूक्लिड में, जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र से क्या होता है, छोटा। और इस केस में डिवाइज़र कौन है, 7, तो इसलिए जो रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा और 7 से छोटा ही लेना है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो देख के। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, 6 + 5√3 − 4 − 3√3। आपको बताना है ये कौन सा नंबर है। तो 6 में से 4 माइनस करो 2, 5√3 वैसे रखा, माइनस माइनस प्लस 3√3 कितना आ गया, 2 + 8√3। तो आप देख सकते हो ये इरेशनल नंबर है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। बच्चों अब हम करेंगे 34th क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन क्या है, HCF 16 और Y का 8 आ रहा है, ठीक है। LCM 16 और Y का 48 आ रहा है, आपको बताना है Y क्या होगा। और आपको ऑप्शन दिए हैं 24, 16, 8 और 48, कॉमन फैक्टर दोनों में, ठीक है, दोनों में कॉमन फैक्टर, इन दोनों में कॉमन फैक्टर 8 आ रहा है। तो देखो 8 किस किस के पास है, 8 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो अब आप क्या करो, 24 को ओपन कर लो, 3 × 8, 16 को 2 × 8, 8 को 8 × 1, 48 को 6 × 8। अब आप 24 के साथ इसका HCF निकालो, देखो 8 आता है, 16 क्या है, 2 × 8, HCF 8 आ रहा है, ठीक है। फिर सबके साथ इसका HCF 8 आ रहा है, तो सब हो सकते हैं, मगर LCM में गड़बड़ आएगी ना। आपके पास नंबर कौन है, 16 कौन है, 2 × 8, ठीक है। अब इसके पास 3 × 8, इसके पास 2 × 8। अब आप इन दोनों में LCM निकालोगे, 8 तो आएगा ही आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, तो कितना आ गया, 8 × 6। तो 24 के साथ 48 आ रहा है, तो इसका 24 आएगा, बाकी आप देख सकते हो बाकियों के साथ नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं चेक करना है तो आप एक काम करो, सब पहले 24 के साथ चेक करो, फिर 16 के साथ करो, फिर 8 के साथ, फिर 48 के साथ, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नंबर 35th। 35th में बोल रहा है टी प्राइम नंबर है, टी आपका क्या है, प्राइम नंबर, और वो डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को। तो ये एक थ्योरम है आपके एनसीईआरटी में, कोई नंबर अगर जैसे 3 नंबर है वो 81 को डिवाइड कर रहा है, क्यों, क्योंकि 3 किसको डिवाइड कर रहा है, 9 के स्क्वायर को, तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर है टी बी को भी क्या करेगा, डिवाइड, इसका भी ए ऑप्शन है। ये थ्योरम है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन है आपका 36th, जो आपकी स्क्रीन में आपको दिखेगा। 36 में बोला पाई क्या है, तो मैं आपको बता दूं, पाई आपका इरेशनल नंबर होता है, जबकि 22/7 आपका रैशनल नंबर होता है, और ये दोनों इक्वल नहीं होते, ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको पाई के बारे में पूछा गया तो बच्चों आपने बोल देना इरेशनल नंबर, जिस वजह से इसका आंसर आएगा सी, इसका आंसर क्या आएगा, सी, ठीक है। तो ये आपके एमसीक्यू थे कुछ, जो मैंने आज के लेक्चर में आपके लिए लेके आया हूँ। अब नेक्स्ट एक को लेक्चर अपलोड करूँगा मैं ओसवाल से या अरिहंत से, ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, एमसीक्यू मेरे साथ चलेंगे, मैं बिल्कुल आपको एमसीक्यू बेसिक से कराऊंगा, बिल्कुल इजी अप्रोच में, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ी सी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तब तक हम लेक्चर इतने अच्छे से नहीं बना सकते। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और आपको नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।